जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मुतल्लिक। आज जो है लेसन टू पे हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक मार्केट ये हमने अपने जो हमारे मेंबर्स हैं ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप पे उनके साथ शेयर किया। तो ये पूरा एक लेक्चर है जिसकी मैं कुछ डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि बहुत से लोग इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते या इतना अच्छा नहीं समझ सकते। तो बेसिक स्टॉक एक्सचेंज जो है ये उसी तरह से जैसे एक गल्ला मंडी या सब्ज़ी मंडी काम करती है। वहां पर लोग चीज़ें लेकर आते हैं और वहां पर बायर भी आते हैं और वहां पर सेलर भी मौजूद होते हैं। तो जिस तरह से सब्ज़ी मंडी में बायर और सेलर्स मौजूद होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज में भी बायर्स और सेलर्स मौजूद होते हैं। वहाँ पर सेलर्स कौन से होते हैं? वो जो कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उनको सेलर्स कहा जाता है। और बायर कौन से हैं? जो लगातार बायर होते हैं उनमें तो आप कह लें कि बैंक्स होते हैं, और उसके अलावा हेज फंड्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं। ये जो आप अपना पैसा बैंकों में रखवाते हैं, ये लोग उसी पैसे को इस्तेमाल करते हुए उससे स्टॉक्स खरीदते हैं और उससे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी पैसे से ये 100% 200% मुनाफा कमाते हैं और आपको ये 8 या 10% मुनाफा देते हैं। एनीवे, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह से काम किया जा सकता है और फंडामेंटल्स क्या हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है स्टॉक एक्सचेंज में, उसी के शेयर जो हैं वो बाय किए जा सकते हैं और सेल किए जा सकते हैं। इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज ने एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट रखी है कि हर कंपनी जो भी उसका पिछली हिस्ट्री होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, डायरेक्टर से मुतल्लिक जो डिसीजन होंगे या बिजनेस है और ऑडिट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो बिजनेस से मुतल्लिक हैं वो कंपनी फेयर जो है वो प्रोवाइड करेगी उसके ऑडिट्स, ताकि जो बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी कर सके और उसके जो एसेट्स हैं, उसके जो डेबिट्स हैं, उसके जो सेल्स रिपोर्ट्स हैं, उसका जो मुनाफा है, वो हर चीज़ को समझ सके। और अगर किसी बंदे को समझ आती है कि ये जो कंपनी है ये जो कंपनी है इसका बिजनेस अच्छा जा रहा है, पिछले साल से, 2 साल से 10 साल से ये कंपनी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है, ये ब्रांड भी ग्रो कर रहा है और ये आगे मजीद पोटेंशियल है इसका, तो वो बंदा फिर उस कंपनी के शेयर्स ख़रीदता है। तो इसको एनालिसिस बोलते हैं। एनालिसिस दो तरह के होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस होते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। जिस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हों उनको ही ख़रीदा जाता है बेसिकली, लेकिन 50-50 दोनों को आप ले लें। अगर आप ये कहें कि 50% आपका डिसीजन बेस्ड होना चाहिए फंडामेंटल्स पर और 50% टेक्निकल पर, तो ये दोनों मिलकर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होती है। आप सबको पता है कि अगर मैं ये कहूँ कि जहाँ पर, जिस शहर में आप बैठे हुए हैं, इस शहर में 5 साल बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आप सब ये कहेंगे कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्योंकि हर बंदे को पता है कि 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद या 5 साल बाद डेफिनेटली 100% प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, और बिल्कुल सच्ची है ये बात। जैसे आपको इस बात पे यकीन है, वैसे ही आप इस बात पे भी यकीन रखें कि जो बिज़नेस आपने प्रॉपर एनालाइज करके समझ कर उसके शेयर्स ख़रीदे हैं, वो 5 साल बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। इसी तरह आपने यकीन करना है। अब बहुत से लोग डरते हैं, वो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉस होता है स्टॉक एक्सचेंज में। तो वो लॉस कैसे होता है कि जैसे मसलन मैं ये आपको कहूँ कि ये घर आप ले लें आज और कल आप इसे सेल कर दीजिएगा, आज आप 50 लाख का इसको ख़रीद लें, कल आप 55 लाख का या 55 लाख का आप इसे सेल कर सकते हैं या 60 लाख का सेल कर सकते हैं, और आप आज मेरे कहने पर इसको ख़रीद लेते हैं और कल फिर आप उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं
कि मैं इसे महंगा सेल करूंगा। एक दिन में तो प्राइसेस नहीं बढ़ती, एक दिन में क्या होता है कि ये जो ब्रोकर्स हैं या जो सिग्नल सेल्स करने वाले हैं या जो माफियाज बैठे हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ये आर्टिफिशली मसनूई तौर पर प्राइसेस को ऊपर नीचे लेकर जाते हैं, कीमतों को ऊपर नीचे लेकर जाते हैं। सपोज करें कि इनके ग्रुप में 2000 बंदा है, अब 1000 को ये कहेंगे कि तुम सेल कर दो और दूसरे 1000 को कहेंगे कि तुम बाय कर लो। तो जब मार्केट में इतनी ज़्यादा सेलिंग या बाइंग हो किसी भी चीज़ की, सपोज़ करें आपने शेयर ख़रीदने हैं, तो मेरे पास अगर शेयर्स हैं और मैं सेल करूँगा तो आप ख़रीदेंगे ना। ये तो नहीं है कि अनलिमिटेड शेयर्स मौजूद हैं मार्केट में। मार्केट में शेयर्स की एक वॉल्यूम और क्वांटिटी होती है, और जितने लोग सेल कर रहे हों, अगर मार्केट में अवेलेबल हों शेयर्स, तो उस हिसाब से सप्लाई और डिमांड जो है उसकी प्राइस को मैनेज करती है। तो ये आर्टिफिशियली सप्लाई और डिमांड क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से ये मार्केट को जो है आप कह लें कि मैनिपुलाइज करते हैं मार्केट को, और आर्टिफिशियली मूव करते हैं, और इस तरह से बहुत से लोगों का नुकसान होता है। जब आप लोग पैसा लगाते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो और आपकी उम्मीदें बहुत हाई होती हैं, तब ये होता है कि ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं। और मुनाफा किसका होता है? ब्रोकर का होता है, या बैंक्स का होता है, या उन इन्वेस्टर्स का होता है जो पैसा लगा रहे होते हैं। अब आप देखें कि सबसे पहले तो हमने देखा कि हिस्ट्री में जब हम जाते हैं, तो 400 साल पहले जो सबसे पहले जो है स्टॉक एक्सचेंज का काम शुरू हुआ, नीदरलैंड में 1600 में सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज का काम शुरू हुआ। उस वक्त कैसे हुआ कि बहुत से जो कंपनीज थी वो गवर्नमेंट से फाइनेंसिंग लेने की बजाय उन्होंने प्रेफर किया कि वो लोगों से फाइनेंसिंग ले लें और इन्वेस्टमेंट ले लें। अब फाइनेंसिंग दो तरह से होती है, या तो आप बैंकों से ले लें और या डायरेक्ट लोगों से ले लें। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आप लोगों से इन्वेस्टमेंट ले रहे होते हैं, मतलब मेरे से, आप जैसे लोगों से आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। बैंक से अगर आप इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो बैंक ज़्यादा मुनाफा लेता है और फिक्स मुनाफा लेता है। तो इसलिए कंपनीज सम टाइम न्यू बिजनेसेस होते हैं या उनको इतना ज़्यादा जो है वो परसेंटेज देना या मुनाफा देना मुनासिब नहीं होता, और उससे बिजनेस की ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं, लिस्ट करवा लेते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज में जो आम लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके शेयर खरीदते हैं। जब आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और आप उस बिजनेस के पार्टनर बन रहे होते हैं। तो इस तरह से कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होकर आम लोगों से इन्वेस्टमेंट लेती हैं। इसलिए कंपनीज की ज़रूरत है स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना, क्योंकि दो रास्ते हैं इन्वेस्टमेंट लेने के। एक है कि लोगों से आप स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए से ले लो, और दूसरा है कि आप बैंकों से लोन ले लो। तो बैंकों का लोन जो होता है वो महंगा होता है, और वो हर महीने या हर साल आपको लाजमी पे करना पड़ता है, जबकि जो लोगों से इन्वेस्टमेंट ली जाती है वो सस्ती पड़ती है, और उस पे बिजनेस की ग्रोथ के हिसाब से आप मुनाफा दे सकते हैं, कंपनी पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ज़्यादातर कंपनीज जो अच्छे बिजनेसेस होते हैं वो कोशिश करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होकर लोगों से इन्वेस्टमेंट लेते हैं। अब ये होता है कि अगर बिजनेस अच्छा है और उसमें पोटेंशियल है, जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, सपोज आपने 10 रुपये का शेयर लिया था, 6 माह बाद हो सकता है वो 15 रुपये का हो जाए, और 1 साल बाद हो सकता है वो 20 रुपये का हो जाए। 10 रुपये का शेयर आपने लिया था, साल बाद वो 20 रुपये का हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब 100% ग्रोथ हो गई। और सम टाइम तो कुछ शेयर 10 रुपये का लिया तो 30 का हो जाता है, 40 का हो जाता है, तो उसको कहते हैं 300% या 400%। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो रीसेंट है चल रहा है, इसमें ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने 1800% तक मुनाफा दिया, और ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने 100% मुनाफा दिया, और ऐसी कंपनीज भी हैं जिनका शेयर 40% बढ़ा। तो अब डिपेंड करता है कि बिजनेस कौन सा है और उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है और उसकी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, इन सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके चला जाता है। चले एनीवे, सबसे पहली स्टॉक एक्सचेंज नीदरलैंड में बनी, उसके बाद जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बना 1792 में,
और न्यूयॉर्क अमेरिका में टोटल तीन स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, एक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है जिसको एमएक्स भी बोला जाता है, और एक नासडाक है। टोटल तीन स्टॉक एक्सचेंज हैं। सबसे बड़ी जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें तकरीबन 8,000 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, और दुनिया की जो स्टॉक की टोटल ट्रेडिंग होती है उसका तकरीबन 40% सिर्फ इस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में होता है। दूसरी बड़ी जो है नासडाक है, और इसके बाद एमएक्स आ जाती है, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। अब आगे दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक वो कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, और एक कंपनीज वो होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती लेकिन उनके शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं, उनको ओवर द काउंटर ट्रेड बोला जाता है। तो ओवर द काउंटर जो ट्रेड होती है ये सस्ते शेयर्स होते हैं और छोटी कंपनीज के होते हैं, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है, आप सिक्योर ज़्यादा होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज हैं, अगर उनके शेयर खरीदते हैं तो आप ज़्यादा सिक्योर होते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हम ले लेते हैं कि मार्केट की जो टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लें कि बुल मार्केट से क्या मुराद है। बुल मार्केट दो तरह का यानी मार्केट का होता है, कि जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही हो, राइज कर रही हो, तो उसको बुल कहा जाता है, और जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही हो तो उसको बियर कहा जाता है। तो दो आप समझ ले, बुल और बियर जो है, अगर हम इसे उर्दू में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये कह सकता हूँ कि एक बैल जो होता है, बैल को बुल कह लें आप, और रीछ जो होता है उसको बियर कह लें। तो रीछ जो है और ये जो बैल है ये आपस में लड़ते रहते हैं, कभी बुल जो है वो हावी हो जाता है और कभी जो है वो बियर हावी हो जाता है। तो ये लड़ाई रहती है, यानी कि मार्केट दो ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है। अगर आप कहेंगे तीन में मूव करती है तो वो भी ठीक है, लेकिन हम दो को समझ लेते हैं। तीन में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट ऊपर को जाती है, सपोज ये ऊपर को जा रही है तो इसको बुल मार्केट कहते हैं, और अगर ये नीचे को आ रही है तो इसको बियर मार्केट कहते हैं, और अगर ये ऐसे जा रही है तो यानी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे मूव करते फॉरवर्ड मूव हो रही है तो इसको जो है कंसोलिडेशन भी कहा जाता है। तो ये तीन डायरेक्शन बन जाती हैं, लेकिन हम इसको कहते हैं कि बेसिकली मार्केट दो ही डायरेक्शन में मूव करती है, या ऊपर या नीचे। तो जब मार्केट की प्राइसेस जो है शेयर्स की बढ़ रही होती हैं तो उसको कहते हैं मार्केट बुल है, बुलिश मार्केट भी कहा जाता है और बुल भी कहा जाता है, और जब प्राइसेस शेयर्स की और मार्केट नीचे की तरफ जा रही हो तो उसको बियर मार्केट कहा जाता है। तो अब आपने बुल, और जब भी आपके सामने बोला जाए लफ्ज़ कि बुल मार्केट, तो इसका मतलब है शेयर की या कंपनीज की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसको बुल मार्केट कहा जाएगा, या जो भी इक्विटी है जब उस शेयर की कीमत बढ़ रही है तो हम कहेंगे इसमें बुलिश रुझान है, यानी प्राइसेस राइज कर रहे हैं। अगर प्राइसेस कम हो रही हों तो उसको कहा जाता है बियर मार्केट। तो जब भी आपके सामने ये लफ्ज़ बोले जाएँ बुल मार्केट और बियर मार्केट, तो बुल से आपके जहन में आना चाहिए कि कीमतें बढ़ रही हैं, बियर से आपके जहन में आना चाहिए कि कीमतें कम हो रही हैं। उसके बाद पैनी स्टॉक्स, सस्ते जो स्टॉक्स होते हैं जैसे डॉलर है उसके पैनीज, तो इसको पैनी स्टॉक कहा जाता है। जैसे आप रुपीज़ में बात कर लें, 1 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का शेयर है तो वो जो है उसको पैनी स्टॉक कहा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके बाद ब्रोकर क्या काम क्या होता है, हमारे यहाँ मसलन पाकिस्तान में जो है ब्रोकर या दलाल को उर्दू में एक बहुत बुरा सेंस में लिया जाता है क्योंकि उसका नाम ही बुरे शोबे से मुंसलिक किया जाता है, लेकिन ब्रोकर जैसे कमीशन एजेंट आप कह लें, जैसे डीलर कह लें आप, तो जैसे आढ़ती कह लें आप, तो जो मंडी के अंदर आढ़ती होता है उसको इंग्लिश में ब्रोकर कहा जाता है, उर्दू में उसको दलाल भी कहते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ बजाते खुद बुरा नहीं है, इसके साथ बुरे मानी जोड़ दिए गए हैं। तो मैं माजरत खाऊँ अगर कुछ लोगों को बुरा लगे, तो ब्रोकर जो है, ब्रोकर का मतलब होता है ये सर्टिफाइड एक पर्सन है जिसको फाइनेंशियल मार्केट्स का पता होता है, उसको जो पैसे की लेन देन और बिजनेस का सेल और परचेज का पता होता है, तो उसके लिए बकायदा लाइसेंस लेता है, वो गवर्नमेंट का अप्रूव्ड होता है और वो लाइसेंस लेकर बैठा होता है स्टॉक एक्सचेंज में। ये नहीं होता कि हर बंदा आकर ब्रोकर बन जाए,
बकायदा उसका इम्तिहान देकर पढ़ के लाइसेंस लेता है वो, और वो सर्टिफाइड होता है और वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होता है। फिर उसको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करने की इजाज़त मिलती है, उसका ऑफिस होता है। अब ब्रोकर जो होता है वो जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनीज होती हैं रजिस्टर्ड, मसलन सपोज करें 600 कंपनी रजिस्टर्ड है, तो उन 600 कंपनीज के जो शेयर्स हैं उनका लेन देन आप उस ब्रोकर के ज़रिए कर सकते हैं। ब्रोकर 10, 15, 20 या 50 डिफरेंट ब्रोकर हो सकते हैं। जैसे हमने टिकट ख़रीदनी हो, तो जहाज़ की टिकट ख़रीदनी आपने, तो आप जाते हैं ट्रैवल एजेंसी के पास। अगर आपने इसी तरह से आपकी सब्ज़ी या फ्रूट की दुकान है, तो आप सब्ज़ी मंडी से जब माल लेने जाते हैं तो आप फिर आढ़ती के पास जाते हैं। इस तरह अगर गल्ला मंडी से आपने सामान ख़रीदना होता है तो भी आप आढ़ती के पास जाते हैं। इसी तरह से आपने कोई होलसेल ख़रीदना होता है तो होलसेल डीलर के पास जाते हैं, कंपनीज होलसेल डीलर को माल देती हैं और आप उनसे जाके ख़रीदते हैं। तो इसी तरह कंपनीज जो अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर के ज़रिए सेल करते हैं, तो आप किसी एक ब्रोकर को चूज़ करते हैं, उसको फिर पावर ऑफ अटार्नी देते हैं कि उसको पावर ऑफ अटार्नी देते हैं, ऑथोराइज़ करते हैं कि मैं इसे ऑथोराइज़ कर रहा हूँ, ये जब भी मैं इसे कहूँगा तो ये मेरे बिहाफ पे शेयर ख़रीद भी सकता है, बेच भी सकता है। जब भी वो शेयर ख़रीदेगा या बेचेगा तो उसकी कन्फर्मेशन आपके मोबाइल पर आएगी। आपको अगर कोई एतराज़ हो तो आप उसको कन्फर्मेशन देखकर उसको रिवर्स कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को। अगर सपोज़ करें आजकल तो सारा ऑनलाइन हो रहा है काम, लेकिन मैं जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आपने उस बंदे को कहा कि मेरे 100 शेयर ख़रीद लें, ठीक है, आपके पास उसने 100 शेयर ख़रीद लिए, उसके बाद आपने उसे कहा कि 1,000 शेयर जो है वो बेच दो, तो उसने क्या किया कि 500 शेयर बेच दिए या 2,000 फ़र्ज करें ज़्यादा शेयर बेच दिए, आपको उस पर एतराज़ है, आप कुछ और कहना चाह रहे थे, वो कुछ और समझा, तो उस सूरत में आपकी ट्रांजैक्शन को वो रिवर्स कर सकता है, ऑथोराइज है। और अगर कोई ब्रोकर, पहले नंबर पे तो ये चांस नहीं होता कि कोई भी ब्रोकर जो है, क्योंकि उसकी रोज़ी रोटी ही इसी से मुंसलिक होती है, वो जो कमीशन उसे मिल रही होती है उसी से उसका सारा बिजनेस होता है, तो वो डेली बेसिस पे लाखों रुपया कमा रहा होता है, क्योंकि वो रोज़ाना लाखों कंपनीज के जो है लाखों शेयर जो है वो बेच रहा होता है और ख़रीद रहा होता है, और सारे जितने भी लोग हैं हज़ारों की तादाद में उसी ब्रोकर के ज़रिए ख़रीदारी कर रहे होते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज एक दिन में फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ शेयर का काम हुआ, और उसने अगर सपोज़ कर लो कि पैसे के हिसाब से भी उसमें 5 पैसे या 10 पैसे भी उसने उसमें से कमीशन ली है, क्योंकि उसने सेल पे भी कमीशन लेना होती है और परचेज पे भी लेना होती है, तो वो दोनों तरफ से लेता है, जैसे जो है सुनियारा या ज्वेलर जो होता है वो सेल पे भी कमाता है और परचेज पे भी, तो ब्रोकर का जो है वो सारा बिजनेस ही इसी पर होता है, तो इसलिए वो कभी भी आपको धोखा नहीं देता। लेकिन अगर आप किसी ब्रोकर की सर्विसेज से डिससेटिस्फाइड हों, मुतमिन ना हों, तो आप ब्रोकर के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है, अगर वो ब्रोकर के ख़िलाफ़ मल्टीपल कंप्लेन आए तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है और वो दोबारा स्टॉक एक्सचेंज में काम नहीं कर पाता, ये लीगल रास्ता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि ब्रोकर जो होता है वो रिलायबल होता है, और उसे सबसे ज़्यादा जो है वो कंपनीज भी उस पर बिलीव कर रही होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी, गवर्नमेंट भी और आप भी, और बड़े बड़े बैंक्स जो है उसके साथ काम कर रहे होते हैं, और वो अरबों खरबों का काम कर रहा होता है, वो कोई आपके साथ 10-20 हज़ार या 50 हज़ार के लिए तो धोखा नहीं करेगा जो लाखों का अरबों का काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं जो पहली दफ़ा स्टॉक एक्सचेंज में काम करेंगे, वो ये कहते हैं कि भाई हम ब्रोकर पे कैसे एतमाद करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको धोखा दिया ना अभी तक की ज़िंदगी में, आपने बहुत ज़्यादा लोगों से धोखा खाया, और हर बंदे जिसके पास आप गए उसी ने आपका दिल दुखाया, क्योंकि आप बहुत सादा थे, आप बहुत अच्छे थे, और हर बंदे को आप अपने जैसे ही समझते थे, जब उसके पास हुए तो उसने आपकी उस सादगी से फ़ायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचाया। अब आपको लगता है कि हर बंदा ही बुरा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हर बंदा बुरा नहीं है। अगर सारी दुनिया बुरी हो जाएगी तो उस दिन कयामत आ जाएगी। ये बात है कि मेजॉरिटी में बुरे लोग हैं, मसलन 70% बुरे लोग हो सकते हैं, 75 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, लेकिन 20% तो अभी अच्छे लोग मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहता मैं अच्छा हूँ,
लेकिन बात यह है कि अभी मुझसे भी अच्छे लोग मौजूद हैं जिन्होंने मेरे साथ अच्छाइयाँ की, और शायद अल्लाह ताला उनको, अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो उनकी कब्र को जन्नत का गहवारा बनाए, और अगर वो दुनिया में मौजूद हैं मेरे उस्ताद या जिन जिन लोगों ने मेरे साथ नेकियां की, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता हूँ। तो इसी तरह से आपके साथ भी बहुत से लोगों ने अच्छाई भी की होगी और बहुत से लोग बुराई भी करते हैं, तो जो बुराई करते हैं हर बुराई आपको मज़ीद मोहतात कर देती है, और जो अच्छाई करते हैं हर अच्छाई आपको हौसला देती है। एनीवे ब्रोकर जो होता है वो रिलायबल होता है, आपने ब्रोकर को पावर ऑफ अटॉर्नी देना होती है, उसके साथ अकाउंट खोलना है। अब क्या होगा कि आपका बैंक में अकाउंट जो है वो आपका स्टॉक एक्सचेंज में भी एक अकाउंट खुल जाएगा, CDC अकाउंट उसको बोला जाता है, उस CDC अकाउंट को आपके बैंक अकाउंट के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है। अब जितने शेयर आप खरीदना चाहते हैं उसके पैसे आपके बैंक अकाउंट से कटते हैं, और जितने शेयर आप बेचते हैं वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बीच में ब्रोकर का कमीशन ब्रोकर अपना लेता रहता है, और आपके जितने भी शेयर होंगे चाहे वो 10 साल 20 साल 50 साल आप रखें, आपका जो स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट है उसमें महफूज रहेंगे, उसको CDC अकाउंट कहा जाता है। इसी तरह आपके जो जितने भी पैसे जैसे बैंक में महफूज होते हैं, आप उसे रख दें चाहे 20 साल 50 साल भी पड़े रहें, वो आपके पैसे हैं, उसको कोई नहीं, आपको पता है कि बैंक में महफूज है मेरा पैसा। इसी तरह आपके शेयर भी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में जो आपका अकाउंट होता है उसमें महफूज होते हैं, और आप अपने अकाउंट के 100% ऑनर होते हैं, आपके प्रॉपर फिंगर्स होते हैं, बायोमेट्रिक्स होते हैं, IDs लगती हैं, वेरिफिकेशंस होती हैं, उसके बाद जैसे बैंक का अकाउंट वेरीफाई होता है इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज का भी अकाउंट वेरीफाई होता है, और आप ही उसके मालिक होते हैं। ठीक हो गया, ब्रोकर सिर्फ शेयर्स को सेल या परचेज कर सकता है और वो आपके अकाउंट को ऑपरेट करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन वो जब भी कोई सेल या परचेज करेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके ईमेल पे भी आएगा और मोबाइल पे भी आएगा, ताकि आपकी डबल वेरिफिकेशन हो सके। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन पे आपको एतराज़ हो तो आप ब्रोकर से रابطہ कर सकते हैं, और अगर ब्रोकर ना सुने तो स्टॉक एक्सचेंज को शिकायत कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस हो जाता है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो है पोर्टफोलियो, बहुत सा जो है लोग इस वर्ड को नहीं समझते कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है, अगर आप पंजाबी में समझें तो ये खिचड़ी होती है, एक ऐसी खिचड़ी कि जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको कहता है कि आप खिचड़ी खाओ आपका पेट ठीक हो जाएगा, तो ये उसी तरह की एक खिचड़ी है कि आप फॉर एग्जांपल 10 मुख्तलिफ कंपनीज चूज़ करते हैं, एक कंपनी आपने फूड सेक्टर में चूज़ कर ली, एक आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में कर ली, दूसरी आपने फर्टिलाइज़र कर ली, तीसरी आपने व्हीकल कर ली, चौथी आपने कोई इसी तरह से बेवरेज कर ली, इसी तरह से ट्रांसपोर्ट कर ली, तो 8-10 कंपनी जो कोई सीमेंट आपने कर लिया, तो 10 मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं उसमें आपने हर एक कंपनी के शेयर ख़रीद लिए। होता क्या है कि कोई 3-4 सेक्टर अगर डाउन जाएंगे वो बियर जाएंगे तो 4-5 सेक्टर जो है 5 से 6 सेक्टर अप जाएंगे, तो ओवरऑल नेट इफेक्ट क्या होगा कि अगर -4 है और +6 हो जाए, तो -4 और +6 जब आप करते हैं तो नेट इफेक्ट +2 आता है, तो पोर्टफोलियो फिर भी इंक्रीज हो रहा होता है हालांकि मार्केट कुछ नीचे जा रही है। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, वो हम अगली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको उसका पोर्टफोलियो बनाना, उस पर काम करना वो सारा सिखाएंगे। एनीवे आज जो हमने डिस्कस किया कि बुल मार्केट क्या होती है, बियर मार्केट क्या होती है, पैनी स्टॉक्स क्या होते हैं, ब्रोकर का क्या काम है, पोर्टफोलियो क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, उसके अंदर काम कैसे किया जाता है, और कंपनीज़ क्यों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती हैं, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, अगर वो बैंक से पैसा लेते हैं तो वो उन्हें महंगा पड़ता है, इसके अलावा ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लेसन में, तो वो जैसे हमने देखा कि 10-15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी डू आई नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, जब आप स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाहते हैं तो आपको कितना पैसा चाहिए। पाकिस्तान में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करने के लिए 5,000 पाकिस्तानी रुपी आपके पास है आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, आपका बैंक अकाउंट होता है और आप अपना स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट खुलवा लेते हैं, और ये दोनों अकाउंट लिंक हो जाते हैं। अगर आपके पास 5,000 रुपया है तो उसी 5,000 से आप शेयर
खरीद सकते हैं। शेयर 5 रुपये का भी होता है, 2 का भी होता है, 10 का भी होता है, 50 का भी, 200 का भी, 500 का भी। आप शेयर 1 भी खरीद सकते हैं और 100 भी खरीद सकते हैं और 1 लाख भी खरीद सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है, 1 से शुरू होकर 1 करोड़ तक भी आप शेयर खरीद सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना है। तो हम ये सुजेस्ट करते हैं कि आप हर महीने 5,000, 10,000, 2,000, 1,000, हर महीने जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं वही पैसा लगाएं, जो आप 2 साल या 5 साल, जिसको आपकी यानी आपको जिस पैसे की ज़रूरत नहीं है वो पैसा आप जो है स्टॉक एक्सचेंज में लगाएं, ताकि वो बढ़ता रहे बढ़ता रहे, और 5 साल बाद आप समझ लें कि आप करोड़पति हो जाएं। सीधी सी बात है, ठीक हो गया। आप इसको रिटायरमेंट प्लान भी कह सकते हैं, आप फ्यूचर प्लान भी कह सकते हैं, जो आप कहना चाहे कह सकते हैं। आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, जैसे इसने पूछा आई वॉन्ट टू बाई एप्पल, लेकिन एक एप्पल का जो शेयर है सपोज करें वो 1,000 रुपये का है, तो क्या मैं उसके 100 शेयर ही खरीद सकता हूँ? अगर मैं 100 खरीदता हूँ तो 1,00,000 रुपया चाहिए। नहीं भाई, आप 5, 10, 20 शेयर भी खरीद सकते हैं, हत्ता कि 1 शेयर भी खरीद सकते हैं, जितने पैसे हैं उतने शेयर आप खरीद सकते हैं। विच शुड आई बाय, स्टॉक्स और बॉन्ड? आपको स्टॉक से शुरू करना है। बॉन्ड की अभी हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि बॉन्ड गवर्नमेंट के हैं और वो उसमें मुनाफा भी कम होता है, लेकिन वो जब आप अरबों पति हो जाएंगे तब आप खरीदिएगा। हाउ डू आई नो विच स्टॉक टू बाय, ये हम आपको सिखाएंगे कि कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए और कब खरीदने चाहिए और कितने खरीदने चाहिए, और फिर किस लेवल तक उसको रखना होता है। जब एक प्राइस लेवल गेन हो जाता है तो 6 महीनों बाद हो जाए, साल बाद हो जाए, 2 साल बाद हो जाए, 5 साल बाद हो जाए, हम आपको फिर गाइड करते जाएंगे उसकी वैल्यू, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से। तो आपको जो है वो कब तक उसे होल्ड करना है, कम से कम हम आपको बताएंगे, साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग भी करवाएंगे, कब बेचना है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं या करेंगे, डे ट्रेडिंग वाले बिल्कुल हमारे साथ नहीं टिकेंगे। स्विंग ट्रेडिंग जो होगी, या तो आप 3, 4, 6 महीनों के लिए वो स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, या 2 साल से 5 साल या 10 साल। 2 साल जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप ज़हन में यही रखा करें कि आपने एक प्लॉट ख़रीदना है, तो मैं कहूँगा कि कम से कम आपने इसे 2 साल रखना है। इसी तरह स्टॉक्स जो आप ख़रीदेंगे, कम से कम आप 2 साल उसे रखेंगे, 2 साल से ज़्यादा जितना आप अफोर्ड कर सकें वो आप रखें। इसलिए वही इन्वेस्ट करें जो आपको फौरी जिस पैसे की ज़रूरत ना हो। पोर्टफोलियो कैसे बनाऊंगा मैं, हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह ये सारा। आज का ये जो लेसन है, आज का ये जो चैप्टर है, ये ख़त्म हुआ, और इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। कोशिश किया करें कि हमारी वीडियो को मुमकिन है तो लाइक कर दिया करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर दिया करें, नीचे कमेंट लिख दिया करें। कमेंट जो आप लिखते हैं मैं उसे पढ़ता हूँ, उससे बहुत से नए टॉपिक्स मिलते हैं, बहुत सी नई बातें समझ में आती हैं। जितने लोग हैं उतने दिमाग हैं, और जितने दिमाग हैं उतनी सोचें हैं। तो आपकी ये जो सोचें हैं, आपके जो मशवरे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और एक इनक्रेज भी करते हैं। तो आप कमेंट लिखा करें, चाहे अच्छा हो बुरा हो लिख दिया करें हिम्मत करके, और शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों तक भी हमारी ये जो कोशिश है ये पहुंच सके। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा ये ताल्लुक कायम रहेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।